अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत है जी। क्या नाम है आपका? जानजेब खान। अच्छा जानजेब भाई, ये बताएं ये जो मरी में जो भी रेस्टोरेंट्स हैं सब ने डबल ट्रिपल हर चीज़ का रेट किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहूँगा कि जो हमारे मुसलमान भाई है तो उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा जो है ना इंसानियत के नाते जहाँ कोई मुसलमान फंस जाए या कोई मसला हो तो उसके साथ मुश्किल वक़्त में साथ देना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया उन्होंने सिर्फ पैसे की खातिर किया है, ऐसा तो कोई भी नहीं करता है, तो उनके खिलाफ़ जो है ना कार्रवाई होना चाहिए ताकि आइंदा के लिए ऐसा सानहा पेश ना आए। और आवाम का ख्याल नहीं रखा, आवाम मुसलमान जो है ना वो होता है जो किसी मुश्किल में उसका हेल्प करे, उसकी मदद करना चाहिए, तो उन्होंने जो है ना नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जो रेट उन्होंने बढ़ाए हैं उसके बारे में बताएं कि क्या रेट्स थे? रेट्स के यही कि मेरा एक दोस्त उधर गया था, उसने मुझे यही बता दिया था कि उन्होंने अंडे जो है ना वो भी दुगना तिगने रेट पर लगा दिए और जो किराए थे वो भी उन्होंने दुगना तिगना बना दिया, यानी अगर 10,000 रुपये किराया था तो उन्हें 40,000 कर दिया। तो ये जुल्म हुआ है। एक कमरे का किराया, एक ही कमरे का किराया उन्होंने 40,000 रुपये लिया है, जिसकी वजह से लोग जो है ना गाड़ियों में फंस के रहे और गाड़ियों में किसी के पास गरीब लोग भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। आप क्या पैगाम देंगे मरी के जो लोग मरी सैर करने जाते हैं, आप क्या पैगाम देंगे उनके लिए कि वो आइंदा मरी जाएँ या ना जाएँ? मैं तो यही कहता हूँ कि वो जो जितने भी होटल इंतज़ामिया है ना उनके खिलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए, उनके जितने भी होटल्स हैं जिन्होंने ज़्यादती की है जिनकी वजह से बच्चों की और बंदों की जान चली गई है, तो उनके खिलाफ़ जो है ना ऑपरेशन होना चाहिए। वो होटल जो है ना गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले लें और गवर्नमेंट जो है ना उसके खिलाफ़ एक्शन ले लें ताकि आइंदा के लिए उसको सबक मिल जाए कि किसी के साथ नाजायज़ नहीं करना चाहिए। सुनने में आया मरी बिल्कुल खाली हो चुका वहाँ से, बिल्कुल कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हमारे जो लोग हैं इनके अंदर वो चीज़ ही इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने सिर्फ पैसे को तरजीह दिया, जो बंदे मर गए मर गए, लेकिन आज जिसके घर में मातम बना हुआ है, जिसके बच्चे यतीम हो गए, जिसके औरतें बेवा हो गई है, उनके घर में क्या बीत रही है, उनके घर में क्या जो है ना जुल्म हो रहा है, और वो उनको सिर्फ पैसे की लालच में पैसे की खातिर, यह पैसा तो फिरौन खामान और नमरूद के पास भी था लेकिन वो लोग चले गए इस दुनिया से, क्या हुआ है? वो पैसा जो है ना उसके लिए काम आया? पैसा काम नहीं आया। इंसानियत बड़ी चीज़ है, इंसानियत उसके काम आना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि यार मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी मुश्किल में अगर तेरी मदद न करूँ तो मैं तुमसे नाजायज़ तो न करूँ ना। ये उन्होंने और किसी और जगह देख लें, हाँ, और पाकिस्तान में स्वाद चले जाए, कालाम चले जाए और कागान नारायण चले जाए, और कोई सैर व तफरीह की जगह है, लेकिन उनको सबक मिल जाए, उन होटलों को सील करना चाहिए। मेरा यही पैगाम है। बहुत शुक्र है भाई। एक ये बताएं कि मरी में जो हादसा पेश है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मरी में बहुत बुरा हुआ वाकया, तो काफ़ी हादसा, जाने भी गई वहाँ, नुकसान भी काफ़ी हुआ, चाय भी बहुत महंगी है, अंडा भी बहुत महंगा दे रहे हैं वहाँ पे। कितने का अंडा दिया? अंडा तकरीबन 400-500 का दे रहे होंगे भाई वहाँ पे। कोई भी दे रहे हैं या दे रहे थे उस वक्त? जब कोई पता नहीं, जब हम गए थे वहाँ पे बहुत बुरे हालात। और कमरा का रेंट कितना? कमरा 40,000-50,000 रेंट था एक कमरे का। कमरे का उसके अलावा क्या था? पानी वगैरह की सहूलत थी वहाँ? पानी तो गर्म ही है, ठंडा। वहाँ के लोगों ने तावन किया? नहीं, कोई तावन नहीं, फिलहाल बर्फबारी बहुत हो रही है। मरी जाएंगे? मरी दोबारा मरी से बाइकाट है, सिटी में जाएंगे करने के, सवात वाली साइड पे जाएंगे इंशाल्लाह। ये कोर भाई बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बताएं जो मरी में जो वाकया हुआ उसके बारे में। देखें, सबसे पहले तो एक हमारी हुकूमत की गलती है किसी हद तक, लेकिन उसके बाद कहा जा सकता है कि ये डिसीजन जाता है वहाँ की लोकल अवाम के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अगर कश्मीर में अगर ये वाकया हुआ तो लोग अपने घर खाली करते थे, तो चाहिए था कि जो वहाँ के होटल के मालिकान हैं या वहाँ के लोकल रिहायशी लोग हैं उन्होंने काफ़ी हद तक मदद भी की है। ये नहीं है कि बिल्कुल उनके ऊपर जुल्म किया गया, हर बंदे ने ऐसे किया है। कुछ लोग पॉजिटिव साइड पे गए हैं, कुछ लोग नेगेटिव साइड पे गए हैं, तो अब कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम ख़राब हुआ है, अमरीका नाम ख़राब हुआ है, जिन लोगों ने जुल्म किया है, जिन लोगों ने एक एक रात का किराया 50,000 लिया है, किराया 10,000 लिया एक जगह से दूसरी, सब ने नहीं लिए, बीच में कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने अपने फ्री होटल्स में फ्री रिहाइश भी दी है, पार्किंग फ्री दी है, खाना फ्री दिया है, चाय फ्री दी है। तो एक जैसे कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उन कुछ ख़राब लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम ख़राब हुआ है, अमरीका नाम ख़राब हुआ है। जिन लोगों ने ज़्यादा रेट्स बढ़ाए हैं, मतलब एक अंडा, एक 30 रुपये का एक अंडा, बॉयल अंडा 30 रुपये का मिलता है, तो उन्होंने वो 500-500 का अंडा दिया है, चाय का कप 400-400 रुपये का दिया है, पानी का जी बिल्कुल, ऐसे इन्हीं लोगों की वजह से जो है मरी का नाम ख़राब हुआ है। मरी को सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं, जो बाहर से लोग मरी में घूमने आते थे वो लोग भी मरी का बाइकॉट कर रहे हैं, पूरी एक इंटरनेशनल मीडिया पे ये पाकिस्तान का ये इमेज बन गया जो जिसने पाकिस्तान को ख़राब किया है।
आप कह चाहते हैं कि लोग अब दोबारा मरी जाएँ या ना जाएँ? देखिए, मरी तो एक ऐसी जगह है पाकिस्तान का जो टूरिज्म का एक बेसिक स्पॉट है। यहाँ से आगे सारे नॉर्दर्न एरियाज का एक कह सकते हैं कि ये डोर है। पहले लोग यहाँ आते हैं, उसके बाद बाकी नॉर्दर्न एरिया बिल्कुल जाना चाहिए। गवर्नमेंट को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो जिन लोगों ने ये काम किया है। कुछ जो होटल मालिक हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ताकि ये दोबारा आने वाले फ्यूचर में कभी आने वाले वक्तों में दोबारा कभी ऐसा ना हो। नेक्स्ट टाइम अगर आपने कहीं प्लान बनाना कहीं घूमने फिरने का तो कौन से इलाके में जाएंगे? हमारा इरादा है कश्मीर जाने का फिलहाल, या फिर हुंजा वाली साइड पे, हम उधर का इरादा है हमारा जी। मरी वाली साइड पे नहीं जाएंगे? नहीं, मरी तो हम काफ़ी दफ़ा होके आ चुके हैं, हम यहीं यूनिवर्सिटी के रहने वाले हैं, तो इस वजह से मरी का इरादा तो नहीं है फिलहाल। जो मरी की वहाँ पे इंतजामिया है उसके बारे में आप क्या पैगाम देंगे, उनको क्या करना चाहिए नेक्स्ट टाइम? देखिए, नेक्स्ट टाइम उनको इंश्योर करना चाहिए कि जैसा अभी हुआ है वैसा दोबारा ना हो, क्योंकि हमारा ताल्लुक साउथ पंजाब से है, तो वहाँ पर लोग बहुत अच्छा समझते हैं कि मतलब इस साइड नॉर्दर्न साइड को, कि मरी को, कि हम वहाँ से स्पेशल लोग आते हैं, डीजी खान से, डेर इस्माइल खान से, मुल्तान से, और पूरे साउथ पंजाब से लोग आते हैं। हालांकि सादकाबाद से जो पंजाब का आखिरी ज़िला है वहाँ से भी लोग मरी देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ की हुकूमत को चाहिए या यहाँ की जो लोकल इंतजामी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि ऐसे इंतजाम करें कि जो ऐसा दोबारा ना हो। किया है वैसे उन्होंने कि 8,000 गाड़ियों से ज़्यादा जाने नहीं देंगे पर डे मरी में। देखिए, अब उस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर आगे। मरी के लोगों को क्या कहेंगे कि मरी के लोगों को चाहिए कि वो दूसरों लोगों का ख्याल करें? ऐसी बात है, सबसे ज़्यादा डिपेंड उन्हीं पे करता है। जो वहाँ का सरमाया है वो मरी के लोग ही हैं, उनका डिसीजन ही है, उनका पर्सनल डिसीजन है। वो जो करना चाहेंगे वही कर सकेंगे वो मरी में, और उसी पे सारा फ्यूचर डिपेंड करता है मरी का। तो ज़्यादा तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा तो मरी के लोगों की जिम्मेदारी है, तो कि वो आने वाले अपने मेहमानों को कैसे डील कर, रेट्स बढ़ाए गए हैं होटल के, खाने पीने की चीज़ों के, ट्रैवल के रेट्स बढ़ाए गए हैं, ये कोशिश करें कि आइंदा ना हो। वहाँ के लोकल लोग भी कोशिश करें, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये दोबारा ना हो, तो हो सकता है कि मरी का इमेज दोबारा से बेहतर हो जाए। सुनने में आया कि 17-18 तारीख को फिर दोबारा से बर्फबारी का इम्कान है, तो आपका देखते हैं कि दोबारा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल, लोग तो वहाँ पर जाएँगे, जाहिर सी बात है लोग वहाँ जाएँगे, हमारा तो यही ख्याल है। और लेकिन उम्मीद है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा जैसे पिछले लास्ट वीक हुआ है। वहाँ जो इंसानी जानों का ज़ाया हुआ है वो बिल्कुल हुकूमत की नाअहली की वजह से हो, उसमें बुनियादी जो फैक्टर है वो हुकूमत की इंतजाम की वजह से हुआ है। तो उस पर यही कहेंगे कि जो कुछ होना है वो तो हो चुका है, आइंदा भी क्योंकि अभी बर्फ़ और भी पड़नी है, इस तरह मज़ीद मुख्तलिफ़ इलाकों में जो इंतजाम है इसी से सबक हासिल करें और वहाँ इंतजाम बेहतर। मैं तो नहीं मानता हूँ कि एक अंडा 500 को खरीदने वाला भी खरीद सके। उन्होंने किसी होटल वाले ने नजायज़ फायदा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ताकि वो इबरत का निशान बन सके। इज्तमाही तौर पर जो सारे होटल वाले कसूरवार नहीं है, सारे नहीं है, लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है वहाँ। जो लोग कसूरवार हैं उनको इबरत का निशान बनना चाहिए, और जिन लोगों ने वहाँ तआवुन किया है उनको भी मतलब भी उनने में भी आया, काफ़ी लोगों ने अपने घर भी दिए हैं, पार्किंग एरिया भी उन्होंने फ्री किया है वहाँ पे, और चाय वगैरह होटल अंडे वगैरह चाय हीटर सब कुछ फ्री दिया है, रिहाइश भी दी है फ्री। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ क्या मुश्किल कर दिया, ये लोग हर तबके में होते हैं। इज्तमाही तौर पर मैं नहीं समझता हूँ कि इज्तमाही लोगों ने मतलब ज़्यादा की होगी, इज्तमाही तौर पर लोगों ने साथ दिया होगा, क्यों इंसान इंसानी हमदर्दी होती है। लेकिन वहाँ जो जिन दरिंदों ने ये कदम उठाए हैं, रेट बड़े किए हैं या इसी तरीके से और नजायज़ फायदा उठाया, तो वहाँ उनसे भी मतलब उनकी पूछ अगर नहीं है तो वो भी इंतजामिया का कसूर है। इसमें यही समझें कि इसमें सबसे बड़ा मुजरम हमारी जो इंतजाम करने वाले लोग हैं, मौजूदा जो गवर्नमेंट है PTI वालों की, इनको अपनी मतलब जो कंट्रोल टावर इनका अपना भी नहीं है, किसी जगह भी नहीं है, किसी रेट पर नहीं है। ये खाली मरी की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है, हर जगह रेट सुबह और होते हैं। पेट्रोल के देख लो, बिजली के देख लो, गैस के देख लो, किसी जगह भी वो इस्तेकाम नहीं है। ये तो बिल मतलब 4-4 महीने पिछले बिल भेज रहे हैं, ये इनका तो किसी जगह भी कोई कंट्रोल नहीं।